हेलो स्टूडेंट्स टुडे टॉपिक इज एंटीपार्टम हेमरेज एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है उसके बारे में आज हम देखते हैं एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी टिल डिलीवरी मींस क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वायबिलिटी पीरियड के बाद में और डिलीवरी तक जनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू किसी भी अमाउंट में ब्लीडिंग का होना या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद में और डिलीवरी तक ब्लीडिंग का होना जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है इसकी इंसिडेंस रेट क्या होती है थ्री टू फाइव परसेंट ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज कोजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके प्लासेंटा प्लासेंटाप्रीविया प्लासेंटा या फिर अदर कोजेस क्या क्या हो सकते हैं सर्वाइकल इरोजन लोकल इन्फेक्शन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना सर्विक्स एंड ट्रोमा कार्सिनोमा सर्विक्स यूटेराइन रप्चर स्कार दस डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर एट्थ एंड नाइन्थ ये सब भी इसके कोज हो सकते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के सर्वाइकल इरोजन क्या होता है सर्वाइकल टीयरिंग होना है ठीक है और स्कार का मतलब स्कार की ओपनिंग होना या फिर कोई सूचर्स लगे तो वो सूचर्स ओपन हो जाना तो इसमें जो पहला कोज है वो पड़ता है प्लासेंटा प्रीविया प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है

ऑफ़ यूट्रस नियर द फंडस ठीक है जो नॉर्मली प्लासेंटा यूट्रस के पोस्टीरियर वालों बॉडी पे प्रजेंट होती है नियर फंडस ठीक है लेकिन प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा लोअर यूटेराइन सेगमेंट में सिचुएटेड होती है और इसकी एटियोलॉजी देखते हैं पहला है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी क्या होता है कि कुछ जो रिसर्चर्स उन्होंने ये इस थ्योरी को दिया है उन्होंने ये बताया है कि फर्टिलाइजेशन के 72 टू आवर्स के बाद में जयगोड जो होता है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है ठीक है और ये क्यों होता है ऐसा ड्यू टू एंडोमेट्रियम रिएक्शन के कारण सेकेंड है बिग साइज़ ऑफ प्लेसेंटा या हाइपर प्लेसेंटोसिस मीन्स इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा की साइज़ बिग हो जाती है बिग होती है प्लेसेंटा की साइज उस वजह से भी प्लेसेंटा प्रिविया हो सकती है या फिर ट्वाइन प्रेगनेंसी में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है या फिर जो फेलोपियन ट्यूब में सीलियरी मूवमेंट्स हैं वो अगर इंक्रीज हो जाए तो उस वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है थर्ड कोज इस प्लासेंटा सक्सें चूरिया इसमें क्या होता है कि एन एक्स्ट्रा प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा ठीक है कोई एक मेन uh, प्लेसेंटा uh, से एक्स्ट्रा प्लेसेंटा सेपरेट होकर वो अलग से इम्प्लांट uh, हो जाती है ठीक है और फोर्थ नेक्स्ट कोज है इसका प्रीवियस सीजेरियन स्कार फिफ्थ है प्रीवियस क्यूरेटिज मीन्स स्क्रैपिंग इन साइड द यूटेराइन केविटी टू रिमूव एबनॉर्मल ग्रोथ ये है यूटेराइन केविटी में किसी भी तरह की स्क्रैपिंग अगर हुई है तो एंड्रोमेट्राइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रिय मल्टीपेरिटी एंड एडवांस मेटरनल एज या स्मोकिंग एंड ड्रग एब्यूज ठीक है इन सब के कारण क्या हो जाता है डिफेक्टिव डेसिडुअल बैसालिस डेसिडुअल बैसालिस डिफेक्टिव हो जाती है तो वो भी एक कोज होता है अब देखते हैं इसके या ग्रेड कौन कौन से होते हैं प्लासेंटा प्रीविया के तो टाइप फर्स्ट या ग्रेड फर्स्ट होता है लो लाइंग प्लेसेंटा इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा का जो मोस्ट ऑफ पार्ट होता है वो तो यूट्रस के अपर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है लेकिन जो स्मॉल पार्ट है या फिर प्लेसेंट का लोअर मार्जिन है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है ठीक है इसकी वजह से क्या होता है इट कैन अटैच टू एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल तो ये यूट्रस की या तो एंटीरियर वाल में भी अटैच हो सकता है या फिर पोस्टीरियर वाल में भी अटैच हो सकता है ठीक है और ये इंटरनल ओस को कवर नहीं करता है क्योंकि ये थोड़ा डिस्टेंस होता है इसमें प्लासेंटा और इंटरनल लोस के बीच में अगर वो डिस्टेंस थ्री सेंटीमीटर से ज़्यादा है होता है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है और अगर वो प्लासेंटा और इंटरनल लोस के बीच में लेस देन थ्री सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है तो उसमें वेजाइनल डिलीवरी थोड़ा रिस्की हो सकती है अब देखते हैं टाइप सेकंड। या मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। द प्लेसेंटा रीज द मार्जिन ऑफ इंटरनल ओस बट डज नॉट कवर इट मतलब इसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा का जो मार्जिन है वो इंटरनल ओस के पास में पहुंच जाता है ठीक है इंटरनल ओस के पास में ही प्लासेंटा उस अटैच रहती है प्लासेंटा का मार्जिन इंटरनल ओस के पास में रहता है लेकिन उसको कवर नहीं करता है ठीक है और ये भी यूट्रस के एंटीरियर वाल या फिर पोस्टीरियर वाल में अटैच हो सकती है अगर ये एंटीरियर वाल में अटैच होती है इसमें तो इसमें वेजाइनल नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है अगर पोस्टीरियर वाल में अगर, अगर अटैच होती है तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल होती है ठीक है और एंटीरियर वाल में अगर ये इम्प्लांट होती है तो ये कहाँ पे होती है इम्प्लांट इम्प्लांट सिम्फाइसिस प्यूबिस और अगर पोस्टीरियर वाल में इम्प्लांट होती है तो कहाँ होती है टूआर्स सेक्रल प्रोमेंट्री उसके बाद देखते हैं टाइप थर्ड या ग्रेड थर्ड इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट या पार्शियल सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया कवर द इंटरनल ओस पार्शियली इसमें क्या होता है जो प्लासेंटा होती है वो इं, आ, इंटरनल ओस को पार्शियली कवर करती है फुली कवर नहीं करती है और इसमें भी वेजाइनल नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इम्पोसिबल होती है देखते हैं टाइप फोर्थ या ग्रेड फोर्थ सेंट्रल या टोटल प्लासेंटा प्रीविया सेंट्रल या टोटल प्लासेंटा प्रीवियम में क्या क्या होता है प्लासेंटा कम्प्लीटली कवर द इंटरनल ओस इसमें क्या होता है प्लासेंटा जो होती है वो इंटरनल ओस को कम्प्लीटली कवर uh, कर लेती है ठीक है और अगर इंटरनल ओस फुल्ली डायलेटेड हो जाता है तो उस कंडीशन में भी कम्प्लीट कवर करके रखती है प्लासेंटा ऐसी कंडीशन होती है इसमें ठीक है अब देखते हैं मेजर डिग्री प्लासेंटा प्रीविया कौन कौन सी होती है टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ और माइनर डिग्री प्लासेंटा प्रीविया कौन सा होता है टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड अब देखते हैं डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया किसको कहेंगे टाइप सेकंड पोस्टीरियर को जो टाइप सेकंड पोस्टीरियर में जब प्लासेंटा अगर इम्प्लांट हो जाती है तो वो डेंजरस टाइप की होती है क्योंकि जो प्लासेंटा है वो सेक्रल प्रो, प्रोमेंट्री के टर्ड्स में सिचुएटेड होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होती है होता है पेल्विक इनलेट का वो रिड्यूस हो जाता है जिसके कारण क्या होता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट का एंगेजमेंट रुकता है उसे प्रिवेंट हो जाता है एंगेजमेंट और जो और कोड इससे कोड कंप्रेशन या कोड प्रोलेप्स भी हो सकता है और फिटल हेड कंप्रेशन भी इसमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से फिटल हाइपोक्सिया की चांसेस होते हैं से उसके बाद में क्या है क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं क्लिनिकल फीचर में पहले सिम्टम्स देखते हैं इसमें क्या क्या होता है सडन ऑनसेट पेनलेस प्रोफ्यूज़ रिकरेंट एंड एपरेंटली कॉजलेस ट्रोमा या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग पर वेजाइनल इसमें क्या होता है कि जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वो सडन ऑनसेट होता है पेनलेस होती है प्रोफ्यूज होती है रिकरेंट होती है ठीक है और कॉजलेस होती है कोजलेस क्या है कि उस ब्लीडिंग का कोई कोज देखने को नहीं मिलता है ठीक है और ये मदर की किसी भी एक्टिविटी के साथ में एसोसिएटेड नहीं होती है ये अगर मदर रेस्टिंग कंडीशन में तो भी ब्लीडिंग देखने को मिलती है ठीक है तो इसकी इसको फोर पी से डिनोट करते हैं पेनलेस प्रोफ्यूज प्लेसेंटा एंड प्रीवियान इसका थर्ड सिम्टम्स क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग वार्निंग साइन फॉलोड बाय मेसिव ब्लीडिंग इसमें क्या होता है कि जब मेसिव ब्लीडिंग जब होती है उससे पहले स्मॉल अमाउंट में ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो उसको वार्निंग साइन बोलते हैं कि पहले स्मॉल अमाउंट में ब्लीडिंग होगी उसके बाद में ही मैसिव ब्लीडिंग होगी ठीक है तो जो स्मॉल अमाउंट में जो ब्लीडिंग होती है वो वार्निंग साइन होता है कि इसके बाद में में ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं उसके बाद थर्ड है जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस जो और इसके अलावा जो पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है वो कितना ब्लड लॉस हुआ है उस पर डिपेंड है देन देखते हैं साइंस क्या हो, क्या होते हैं इसके पहला है जनरल कंडीशन जनरल कंडीशन में क्या देखने को मिलता है पेशेंट पेलर और एनीमिया इज प्रोपोर्शनेट टू विजिबल ब्लड लॉस ठीक है देन पेशेंट में और मे नोट भी शोक पेशेंट शोक की कंडीशन में भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है ये ब्लीडिंग की अमाउंट पे डिपेंड है देन है एबडोमल एग्जामिनेशन एबडोमल एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं एबडोमल इज सॉफ्ट एबडोम सॉफ्ट फील होगा यूट्रस इज रिलैक्स एंड टेंडरलेस साइज ऑफ यूट्रस इज प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ एमिनोरिया जो पीरियड ऑफ एमिनोरिया है उसके ही बराबर यूटरस का साइज होगा माल प्रेजेंटेशन आर वेरी कॉमन ठीक है इसमें माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है फीटस का ब्रीच या ट्रांसफ़र प्रेजेंटेशन होता है फिटल पार्ट आर इजीली पालपेबल फिटल पार्ट इजीली पालपेबल होता है फिटल हार्ड साउंड भी इजीली सुन सकते हैं फिर देखते हैं इसमें वर्थी साइन वर्थी साइन क्या होता है कि जब फीटस के हेड को प्रेस किया जाता है कंप्रेस किया जाता है थ्रू द एबडोमली मदर के एबडोमन से जब फीटल के हेड को जब यूट्रस में के लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस में या फिर पहलवी के लोअर पार्ट में जब फीटस हेड को प्रेस किया जाता है तो क्या होता है कि जो फीटल हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है फिटल ब्रेडिकार्डिया हो जाता है एंड देन जब उस प्रेशर को जब रिलीज किया जाता है वापस छोड़ा जाता है एड को तो कंडीशन वापस नॉर्मल हो जाती है ठीक है तो ये स्पेशली लो लाइन प्लेसेंटा में देखने को मिलता है ये साइन या फिर पोस्टीरियर टाइप जो होता है उसमें देखने को मिलता है देन देखते हैं इसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन वेजाइनल एग्जामिनेशन इस कंडीशन में कॉन्ट्राइंटिकेटेड होता है क्योंकि ये ब्लीडिंग को और बढ़ा सकता है क्योंकि इससे कोई कंडीशन हो सकती है डिलीवरी हो प्रीमेचो डिलीवरी हो सकती है या फिर प्रीमेच सेपरेशन ऑफ और प्लेसेंटा हो सकता है या रेपचर ओ मेम्रेन भी इससे हो सकता है तो वेजाइनल एग्जामिनेशन इसमें नहीं किया जाता है तो इसमें डबल सेटअप एग्जामिनेशन किया जाता है इसमें क्या होता है कि ओटी में पेशेंट को लेके देन पेल्विक एग्जामिनेशन या विजर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है ताकि कोई अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको वहीं मैनेज किया जा सके धैन वलवल इंस्पेक्शन वलवल इंस्पेक्शन में क्या देखते हैं ब्लड ब्लोस जो हो रहा है वो उसका अमाउंट ऑफ और कैरेक्टर देखते हैं ठीक है थीके? तो मेनली फ्रेश या ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग देखने को मिलती है नैन डायग्नोसिस में पहला है क्लिनिकल कन्फर्मेशन क्लिनिकल कन्फर्मेशन कैसे होगा जेंटल स्पेकुलम एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे ब्लीडिंग होने के ट्वेंटी फोर से फोर्टी एट आवर के बाद में ठीक है जिससे यह पता चल सके कि कोई लोकल कोज तो नहीं है वेजाइना या फिर सर्विस में देन देखते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ द प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन ऑन द लोअर सेगमेंट कैन बी कन्फर्म डिंग सेक्शन जब करेंगे तो उस समय भी प्लेसेंटा के इम्प्लांटेशन को विजुअलाइज किया जाएगा कि वो लोअर सेगमेंट में इम्प्लांटेड हो रखी है देन एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी दोन उसके बाद में क्या है कि जो वेजाइनल डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन किया जाता है उसमें क्या देखा जाता है कि प्रोजेक्शन द मेन प्लेसेंटा ठीक है या फिर अब नॉर्मल अटैचमेंट ऑफ कोड दे, करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या करते हैं प्लासेंटोग्राफी तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्लेसेंटा को देखा जाता है ठीक है ये सिंपल और सेफेस्ट मेथड होता है जो जिसके थ्रू प्लेसेंटा की लोकेशन को देखा जाता है या फिर मतलब प्लेसेंटा का मार्जिन इंटरनल ओस के कितना पास में है कि या फिर इंटरनल ओस को कवर किया है कि नहीं किया है वो भी इसमें हम देखते हैं देन उसके बाद में देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन क्या है पहले मेटरनल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड डिलीवरी से पहले क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वेजाइनल ब्लीडिंग एंटीपार्टम हेमरेज विद वेरिंग ठीक है एंटीपार्टम हेमरेज या वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है अलग अलग तरह से डिग्री ऑफ शोक देखने को मिल सकता है या माल प्रजेंटेशन देखने को मिल सकती है प्री लेबर हो सकता है या एनीमिया भी हो सकता है एंड ड्यूरिंग लेबर क्या क्या देखने को मिलेगा अर्ली रप्चर ऑफ मेम्रेन कोड प्रोलेप्स एंड स्लो डायलेशन ऑफ़ द सर्विक्स भी हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है ड्यू टू फर्दर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा विद ऑफ सर्विक्स जब सर्विक्स का डायलिटेशन होगा ड्यूरिंग लेबर तो उस समय जब प्लेसेंटा का सेपरेशन भी होगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है या फिर हिस्टक्टमी भी करनी पड़ सकती है या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज भी देखने को मिल सकता है ड्यू टू रिटेन प्लासेंटा ड्यूरिंग परप्यूरियम। ड्यूरिंग परप्यूरियम में क्या क्या देखने को मिल सकती है कॉम्प्लिकेशन सेप्सिस हो सकता है पेशेंट को ड्यू टू इंक्रीज सेप्सिस क्यों हो सकता है कि प्लेसेंटा वेजाइना के पास में सिचुएटेड होती है ठीक है या फिर एनीमिया हो सकता है ना पेशेंट को उस वजह से सेप्सिस हो सकता है या सब इनोलोशन ऑफ यूट्रस देखने को मिल सकता है हमें यूट्रस जो होता है वो डिलीवरी के बाद में भी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाता है मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस वापस नहीं जा पाता है और उसके बाद वीनस थ्रम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है मतलब जो ब्लड क्लोट है वो सर्कुलेशन में जा सकते हैं ना फिटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं आई यू डी इंट्रा यूटेराइट डेथ हो सकती है फिटस की लो बर्थ वेट बेबीज देखने को मिलते हैं इसमें ड्यू टू प्री टर्म लेबर अगर प्री टर्म लेबर हो गया है उसकी वजह से या फिर कोरियोन क्रोनिक प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कारण लो बर्थ वेट बेबीज हो सकते हैं क्योंकि फीटस को क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाया फीटल हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है ड्यू टू प्लासेंटल सेप्रेशन और प्लासेंटल और कोर्ड कंप्रेशन के कारण बर्थ इंजरीज देखने को मिल सकती है और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है जैसे स्पाइना बायफिडा वगैरह क्योंकि इन्फेक्शन के कारण कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है फीटल हाइपोवोलमिया भी इसमें हो सकता है Then देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या क्या किया जा सकता है पेशेंट आर टू बी एडमिटेड पेशेंट को एडमिट करना है उसके बाद में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का ठीक है उसके वाइटल साइंस चेक करने हैं और उसके बाद में जनरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है और उसके बाद में क्लिनिकल असेसमेंट और ब्लड लॉस ब्लड लॉस कितना हुआ है वो असेसमेंट करना है उसके ब्लड टेस्ट करने हैं जैसे है है एच वगैरह अगर नीड है अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है या पेशेंट सीरियस कंडीशन में तो रिससिटेशन की भी आवश्यकता हो सकती है और लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा बाय यूएसजी यूएसजी करके देखना है कि प्लेसेंटा कहां सिचुएटेड है उसके बाद में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और रेडिकल मैनेजमेंट दो तो तरह का मैनेजमेंट होता है इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करते हैं कब करते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जब कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है या फिर एंश्योर हेल्दी फिटस एंड मदर ठीक है अगर फिटस और मदर हेल्दी है या फिर प्रेगनेंसी लेस देन थर्टी सेवन वीक पे है फिटल हार्ट रेट गुड है या फिर रिएक्टिव फिटस है मतलब सीटीजी नॉर्मल आ रही है हीमोडाइनमिकली स्टेबल मदर है ठीक है इस कंडीशन में क्या है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है इसमें इसमें क्या करते हैं कि जहाँ तक पॉसिबल है ट्राई करते हैं कि प्रेगनेंसी को थर्टी सेवन वीक तक या मोर देन थर्टी सेवन वीक तक पहुंचाया जा सके ठीक है, है उसके बाद में रेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं इसमें क्या देखते हैं ब्लीडिंग कंटिन्यू इसमें क्या देख कब करते हैं रेडिकल मैनेजमेंट जब ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है या प्रेगनेंसी मोर देन थर्टी सेवन वीक है पेशेंट लेबर में है या फिटल हार्ट रेट एबसेंट है या फिर नॉन रिएक्टिव फीटस है या फिर मदर हीमोडाइनमिकली अनस्टेबल है तो उस कंडीशन में रेडिकल मैनेजमेंट करते हैं रेडिकल मैनेजमेंट में दो तरह से करता कर सकते हैं पहला इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे ओ में लेकर ठीक है और उसके बाद में क्या इंटरनल uh, एग्जामिनेशन करने के बाद में क्या करते हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड जो एंटीरियर जो है प्लासेंटाप्रीविया के टाइप इनमें क्या करते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं ठीक है और ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करते हैं फॉर इंडक्शन लेबर ठीक है और इधर की साइड में अगर अगर इसमें जो नेडिकल मैनेजमेंट में है उसमें इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं एक तो और अगर इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तो बिना इंटरनल एग्जामिनेशन के सीडियर सेक्शन कर दिया जाता है ठीक है और उसके बाद में इधर टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एंटीरियर में आर्टिफिशियल रफ्चर ऑफ करेंगे और ऑक्सीजोसन देके लेबर को इंडक्शन करवाने की कोशिश करेंगे या फिर और उसके बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी को परफॉर्म करेंगे अगर वेजा, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो सीजीरियन सेक्शन ही करेंगे और टाइप सेकेंड के पोस्टीरियर में और टाइप थर्ड एंड फोर्थ में सीजीरियन सेक्शन ही करना है पेशेंट का अब देखते हैं कि इसके टाइप्स जो ग्रेड हैं उनके डायग्राम इसमें देखिए जो फर्स्ट है वो टाइप फर्स्ट है मीन्स लो लाइंग प्लेसेंटा स्टेज फर्स्ट इसमें जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट में सिचुएटेड है लेकिन इंटरनल उसके पास में नहीं है वो और ये स्टेज सेकंड में है ये है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया इसके में जो प्लेसेंटा का मार्जिन है वो नियर द इंटरनल है। टाइप थर्ड या स्टेज थर्ड में क्या है कि प्लासेंटा है वो पार्शियली इंटरनल ओस को कवर किए हुए हैं और ये स्टेज फोर्थ में प्लासेंटा कंप्लीटली इंटरनल ओस को कवर किए हुए हैं ठीक है इसमें टाइप फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो माइनर है टाइप सेकंड का पोस्टीरियर एंड थर्ड फोर्थ है वो मेज़र टाइप होता है ओके थैंक यू